हेलो गाइस सो वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है ये मैं हूँ, और मैं हूँ एक ऐसे सर्वाइवल आइलैंड पे जहाँ पर सर्वाइव करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में मैंने किसी तरीके से यार इस वाले आइलैंड पे 100 डेज सर्वाइव कर लिए, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आने वाले 100 डेज में सर्वाइव कर पाऊंगा कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़े चैलेंजेस के साथ। और माइनक्राफ्ट का एक डे 20 मिनट्स का होता है और 100 डेज इज इक्वल टू 33 घंटे, मतलब कि इस वाली वीडियो को बनाने में मेरे को 33 घंटे लगे हैं और आपके सामने लाने में 36 से 37 घंटे लग गए हैं। तो मेरी इन 36 से 37 आर्ट्स की मेहनत के लिए एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पे कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में यार आपको एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरी जो 36 से 37 आर्ट्स की मेहनत है वो यार वसूल हो जाएगी। अब इन आने वाले 100 डेज में मेरे 5 टारगेट्स होने वाले हैं। पहला, इस गेम का सबसे ज्यादा हार्ड एंडर ड्रैगन को बीट करना। सेकंड, अपने आप को पूरा नेदराइट आर्मर में कवर करना एंड नेदराइट के टूल्स करना। और थर्ड है फुली मैक्स लेवल गोल्ड बीकन। एंड फोर्थ है इस वाले गेम का वन ऑफ द हार्डेस्ट वीदर को डिफीट करना। और फिफ्थ, अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर मैं ये आने वाले 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। खैर, इसके लिए तो यार आपको इस वाली वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो चलते यार आज के इस वाले खतरनाक अनजाने सफर की तरफ। तो गाइस डे 101 वहीं से शुरू होता है जहां पे यार मैंने 100 डेज कंप्लीट होने पे अपने आप को छोड़ा था। अब अगर आपने 100 डेज की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर 100 डेज की वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। अब डे 101 की स्टार्टिंग में सबसे पहले यार मेरे पास जितनी भी काउस थी मैं उनको हेलो बोलता हूँ, और वो भी मुझे देख के काफी ज्यादा खुश थी। अब इसके बाद मैं अपने पिग्स को हेलो बोलता हूँ। अब अपने पिग्स एंड काउस को हेलो बोलने के बाद मैं आ जाता हूँ माइनिंग पे, बिकॉज मेरे को कोबलस्टोन चाहिए थे। अब मैंने सोचा यार एंडर ड्रैगन को मारने से पहले थोड़े हाथ गर्म कर लिए जाए और बना लिया जाए पहले एक्सी फार्म। अब डे 101 की रात होती है, मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। डे 102 को मैं भाई सनराइज देखता हूँ एंड इसके बाद लग जाता हूँ काम पे, क्योंकि आने वाले 98 डेज में यार मेरे को काफी ज्यादा बड़े बड़े काम करने थे। अब इसके बाद मैं शुरू कर देता हूं अपने एक्सपी फार्म का काम। और डे 102 की रात होते होते मैं यार अपने एक्सपी फार्म का काम कंप्लीट कर देता हूं, और ये टाइम था एक गहरी नींद लेने का, बिकॉज नेक्स्ट डे इज अ मैसिव डे, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं जाने वाला था एंडर ड्रैगन को मारने। अब अपने आइलैंड को छोड़ने से पहले मैं अपनी काउस को बाय बोलता हूँ, पहली फुर्सत में निकल। एंड इसके बाद अपने पिग्स को, एंड देन इसके बाद मैं अपने आइलैंड को एक लास्ट बार देखता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज एंडर ड्रैगन को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। और अपने आइलैंड को लास्ट बार देखने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ, और देखते देखते मेरा आइलैंड मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब डी 104 को मैं एक ऐसे टापू पे पहुंचता हूँ जहां पर बहुत सारे डॉग्स थे, और इनमें से एक डॉग मेरे आने वाले 100 डेज का फ्रेंड बनने वाला था। अब ये डॉग मेरे पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता और मेरी 2 बोन वेस्ट हो जाती है। अब इसके बाद मैं यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी मेरे को नीचे से एक स्केलेटन की आवाज आती है और मेरे को फिर से 2 बोन मिल जाती है, और मैं जैसे ये 2 बोन ला के इसको खिलाता हूँ ये मेरे पे ट्रस्ट कर लेता है। और अब आता है इस गेम का सबसे क्यूटेस्ट मूवमेंट। अब जैसे ही मैं बेड पे लेटा भाई ये इतने प्यार से आके मेरे को देखता है कि मतलब मैं तो बिल्कुल पिघल ली जाता हूं। अब इसके बाद मैं अपने दोस्त का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं एक मॉब को मारने के लिए, और वो मॉब कोई मामूली मॉब नहीं था, बिकॉज उसके पास था एन्चेंटेड आर्मर। अब जिस खतरे की तरफ मैं आगे बढ़ रहा था, मैं नहीं चाहता था कि उस खतरे से मेरे दोस्त को कोई नुकसान हो, और फैसला करता हूं कि आने वाला सफर मैं अकेले तय करूंगा। और एंडर आई लगाने के साथ ही अपना एंड पोर्टल ऑन होता है, और इसी के साथ एंट्री होती है मेरी एंडर वर्ल्ड में।
और यहाँ पर आने के बाद मेरे को एक बात पता चलती है कि जो एंडर ड्रैगन है वो यार मेरा इंतजार काफी बेसब्री से कर रहा था। और ये चीज देख के मैं थोड़ा डर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, बिकॉज पिछले 105 डेज में मैंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी और मैं नहीं चाहता था कि वो किसी भी कीमत पे मेरे हाथ से जाए। खैर जैसे जैसे मैं एंड क्रिस्टल्स को तोड़ रहा था मेरा मोटिवेशन लेवल आसमान पे जा रहा था। अब इसके बाद मैं घर से कोई भी पोस्टर नहीं लेकर आया था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, बिकॉज मेरे को यार अपने आप पे पूरा भरोसा था। और सारे एंड क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद बारी आती है एंडर ड्रैगन को मजा चखाने की। अब एंडर ड्रैगन मेरे से बचने की हर एक कोशिश करता है, मुझे मारने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन आज वो मेरे से बचने वाला नहीं था। और देखते देखते मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया था और इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। और साथ ही साथ मैं एंडर ड्रैगन को मारने की खुशी मनाता हूँ और ये टाइम था एंड सिटी में जाकर इलाइट्रा लाने का। अब D109 से 113 मैं एंड सिटी को ढूंढता हूं। और D112 की स्टार्टिंग में मेरी आंखों के सामने थी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड सिटी और एंड सिटी को देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। अब यहां से मैं इलाइट्रा लेता हूं और इलाइट्रा लेने के बाद मैं जैसे यार अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था मेरे को एक और एंड सिटी दिख जाती है जो कि यार काफी ज्यादा क्लोज थी। अब इस वाली एंड सिटी में मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लूट मिलती है, 6 डायमंड्स प्लस इलाइट्रा प्लस ड्रैगन एग को कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूं घर T114 और मेरे पास ड्रैगन हेड था। खैर अब इसके बाद ये टाइम था अपने दोस्त को उस टापू से निकाल के लाने का। अब सबसे पहले मैं थोड़ा गन पाउडर लेता हूँ, पेपर लेता हूँ, रॉकेट्स बनाता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त को लाने। अब मेरा दोस्त यार मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इसको लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने टापू की तरफ। D115 आ चुका था और हम दोनों पहुंच चुके थे अपने प्यारे से वर्ल्ड में। अब इसके बाद यार मैं इसको अपना पूरा वर्ल्ड घुमाता हूं एंड देन इसके बाद इसको एक परफेक्ट जगह देता हूं। अब इन 15 डेज में मैंने 2 टारगेट्स को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आने वाले 3 टारगेट्स मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाले थे। T115 को मैं सारी तैयारी करता हूं नेदर जाने की और रात को मैं डिसाइड करता हूं कि ये टाइम है थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने का। अब जैसे ही मैं एक्सपी कलेक्ट कर रहा था मेरे साथ एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि यार गेम को बदलने वाली थी। मेरे को मिल जाता है एक ज़ोंबी विलेजर और भाई ये ज़ोंबी विलेजर को देख के मैं काफी 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 ज्यादा खुश हो जाता हूं। अब ज़ोंबी विलेजर को एक सेफ जगह पर रखने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार इसको विलेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और विलेजर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को चाहिए थी ब्राउन मशरूम, तो मैं निकल लेता हूँ ब्राउन मशरूम की तलाश में। और काफी काफी ज्यादा दूर आने के बाद मेरे को मिल जाती है स्वैम्प बायोम और स्वैम्प बायोम में यार ब्राउन मशरूम इजिली मिल जाते हैं। और D117 मैं इस बड़े से टापू पे घूमता हूँ और फाइनली रात होने से पहले मेरे को मिल जाते हैं ब्राउन मशरूम और इनको देख के मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ और फटाफट इनको कलेक्ट करता हूँ। और रात होने से पहले मेरे को यार इस आपको बाय बोला था, बिकॉज रात होते ही बहुत सारे मूव्स यहाँ पे स्पॉन होने वाले थे जो कि यार मेरे को देखते ही मार डालेंगे। खैर सही टाइम पे यार मैं इस टापू को अलविदा बोलता हूँ और D117 की रात को ही मैं पहुंच जाता हूँ अपने आइलैंड पे। और इसी के साथ फर्मेंटेड स्पाइडर आई प्लस गन पाउडर की मदद से मैं बनाता हूँ पोशन ऑफ वीकनेस और ये टाइम था अपने ज़ॉम्बी विलेजर को विलेजर बनाने का। अब यहां पे यार मैं इसकी हेल्प कर रहा था और भाई मरते मरते बचा, भाई साहब हाफ हर्ट पे सरवाइव कर लिया। अब इसके बाद मैं यार काफी ज्यादा वेट करता हूं, बहुत ज्यादा वेट करता हूं कि ये जल्दी से विलेजर बन जाए, लेकिन यार ये विलेजर बन ही नहीं रहा था। और मैंने सोच लिया था टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये टाइम है नेदर जाने का, लेकिन जैसे मैं यहां से जाता हूं तभी
भाई फाइनली अपना ज़ॉम्बी विलेजर बन चुका था और साथ ही साथ हमारी एक अचीवमेंट अनलॉक होती है। अब इसके बाद मैंने सोच रहा था कि मैं इसको लाइब्रेरी बना के एक अच्छी सी एंचेंटमेंट लूंगा। अब काफी देर लैक्टन तोड़ने लगाने के बाद मेरे को मिल जाती है थ्रोन स्त्री, और थ्रोन स्त्री मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली थी बिकॉज ये पूरा गेम बदलने वाली थी। अब मैं पेपर की मदद से इससे एमरल्ड लेता हूँ और एमरल्ड प्लस बुक की मदद से मैं इससे लेता हूँ 4 थ्रोन्स फोर और इनको रख देता हूँ अपनी चेस्ट में। और ये टाइम था नेदर का। नेदर एक खतरों की जगह जहां पर अगर आपका एक पैर भी फिसलता है तो आपकी हार्डकोर सीरीज वहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं उतना ही डरा हुआ था जितना डरा हुआ मैं एंडर ड्रैगन के टाइम था, लेकिन जो भी था अब आने वाले 80 डेज में मेरे को काफी कुछ करना था, इसलिए मैं डर की आंखों में आग डाल के आ जाता हूँ नेदर के अंदर। अब नेदर में आने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि अपने आप को फुल्ली नेदराइट में कवर करना। और जैसे ही मैं नेदराइट माइनिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था मेरे को मिल जाती है एक बेस्टियन प्लस एक नेदर पोर्टल। अब जहां से मैं थोड़े गोल्ड ब्लॉक्स लूटता हूँ, पिगलिंस का सामना करता हूँ और इस वाली बेस्टियन से मेरे को मिल जाते हैं बहुत ही सारे गोल्ड ब्लॉक्स। और इन सारे गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ नेदर की गहराइयों में एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग के लिए। अब मैं काफी ज्यादा माइन करता हूं, बहुत ज्यादा माइन करता हूं, मतलब आने वाले 13 डेज मैं सिर्फ माइन करता हूं बिना सोए। और साथ ही साथ मेरे पास जो डायमंड पिकैक्स थी वो भी टूटने वाली थी और मैं किसी कीमत पे भी इसे खोना नहीं चाहता था। खैर जो भी था, अब पिछले 5 दिन मेरे हाथ एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं लगता। लेकिन जैसे डे 129 होता है मेरी आंखों के सामने थे 3 एंशिएंट डेब्रिस। जैसे ही मेरे को ये 3 एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं मानो एक उम्मीद की किरण लग गई हो। अब यहां पर मैंने यार एंशिएंट डेब्रिस फाइंड करने में ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, तो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं टोटल 20 एंशिएंट डेब्रिस लेके जाऊंगा और उन 20 एंशिएंट डेब्रिस की मदद से मैं अपने आर्मर को फुल्ली नेदराइट का करूंगा प्लस अपनी नेदराइट सूट को करूंगा। और बाकी के टूल्स को अगर हमारे पास डेज बचते हैं तो मैं अगेन आऊंगा एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग के लिए और बचे हुए टूल्स को भी नेदराइट में कन्वर्ट कर लूंगा। मेरे पास 19 एंशिएंट डेब्रिस हो गए थे और देखते देखते मेरे हाथ लग जाते हैं 2 एंशिएंट डेब्रिस और ये टाइम था नेदर की गहराइयों से वापस घर जाने का। अब जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे एक बेबी पिगलिन था और इस बेबी पिगलिन को बाय बोलने के बाद मैं जैसे यहां से जा रहा था तो मैं देखता हूँ कि मैं निकला हूँ अपनी फोर्ट्रेस के पास। और मैंने सोचा कि जब फुटरेस रास्ते में पड़ी रही है तो क्यों ना यहाँ की चेस्ट चेक कर ली जाए, क्या पता मेरे को डायमंड मिल जाए। लेकिन मैं फुटरेस को अच्छे से नहीं घूमता, मैं तुरंत घर वापस आ जाता हूँ क्योंकि वहां पे विदर स्केलेटन्स थे और विदर स्केलेटन्स को मैं चाहता था कि सिर्फ मैं लूटिंग की सोर्स से ही मारूं, जिससे कि यार मेरे को जल्दी विदर स्केलेटन हेड्स मिले। घर आने के बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड ब्लॉक्स थे मैं उनको लगा देता हूँ बीकन स्टैंड बनाने के लिए। अब इसके बाद मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस को फर्नेस में डालता हूं और मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे यार मैं अपने आर्मर को रिपेयर करता हूं। अब डे 148 की रात होने वाली थी और ये टाइम था अपनी सूट पे लूटिंग या फिर स्माइट 5 की एंचेंटमेंट लेने के लिए। अब मिनिमम मेरे को स्माइट 4 ही चाहिए थी, इसलिए यार मैं काफी देर तक अपनी सूट को एंचेंट डिसएंचेंट करता हूं, लेकिन यार मेरे को स्माइट 5 भी नहीं मिलती और ना ही लूटिंग 3 मिलती है। अब टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं डिसाइड करता हूं कि स्माइट 4 मिली है इसी को ले लिया जाए और स्माइट 4 के साथ साथ मेरे को लूटिंग 2 भी मिल जाती है। और इस एंचेंटमेंट से मैं ज्यादा खुश नहीं था पर काम चलाने के लिए ठीक ठाक था। अब इसके बाद मैं अपनी हेलमेट प्लस अपनी वेस्ट पे थ्रोन 3 की एंचेंटमेंट करता हूँ। अब अपनी नेदराइट स्क्रैप्स को नेदराइट इंगट बनाने के बाद ये टाइम था अपने आप को नेदराइट में कवर करने का। डे 148 की रात होने से पहले मैंने यार अपने आप को कवर कर लिया था नेदराइट में और साथ ही साथ मेरे 3 बड़े चैलेंज कंप्लीट हो गए थे और आने वाले 2 चैलेंज मेरे को किसी भी तरीके से 52 डेज में कंप्लीट करने थे। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन्स हेड कलेक्टर ने।
और डे 150 की सुबह होते ही मेरे सामने था मेरा पहला एनिमी। और डे 152 की सुबह को मेरे को एक चेस्ट मिलती है जिसमें मेरे को डायमंड मिलते हैं और ये डायमंड मेरी पिकेक्स को रिपेयर करते हैं। एंड देन आने वाले डेज मैं बहुत बहुत सारे विदेड स्केलेटन्स को मारता हूं, लेकिन यार मेरे को विदेड स्केलेटन्स हेड मिल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर मैं यार काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था और मेरे को लग रहा था कि यार मैं अपना ये वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाई किसी ने कहा है ना, कोशिश करते रहना चाहिए, तो यार मैंने हार नहीं मानी। मैं लगा रहा, डे 164 आ चुका था और मेरे पास एक भी हेड नहीं था, लेकिन जैसे ही डे 165 होता है मेरे हाथ लग जाता है एक विदर्ड स्केलेटन हेड। और डे 165 से डे 176 तक मैं बहुत सारे विदर्ड स्केलेटन्स को मारता हूं और कमाल की बात मेरे हाथ लग जाते हैं दो विदर्ड स्केलेटन्स हेड। और डे 176 की रात होने से पहले मैं तैयार था फोर्ट्रेस को लीव करने के लिए। डे 177 की रात होने से पहले मैं तीन विदर्ड स्केलेटन हेड्स के साथ घर आ जाता हूं। एंड देन इसके बाद मैं अपनी पैंट पे भी थ्रोन स्त्री की एंचेंटमेंट करता हूं। और ये टाइम था अगेन नेदर जाकर अपने गोल्ड बीकन के लिए बहुत बहुत सारा गोल्ड लाने का। अब आने वाले 17 डेज मैं माइन करता हूँ, बहुत ज्यादा माइन करता हूँ, बेस्टियंस लूटता हूँ और फाइनली मेरे को यार जितने गोल्ड ब्लॉक चाहिए थे अपने बीकन के लिए उनको यार मैंने कलेक्ट कर लिया था। और डे 195 आ चुका था और डे 196 अपने पोर्टल तक पहुंचने में लग जाता है, लेकिन जैसी डे 197 की सुबह होती है मैं घर आ जाता हूँ और ये टाइम था अपने गोल्ड बीकन स्टैंड को कंप्लीट करने का। अब कोल्ड बीकन स्टैंड को कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे को क्या रोक रहा था, ये टाइम था वीदर को मजा चखाने का। तो इसलिए मैं काफी ज्यादा नीचे माइन करने के बाद तैयार हो जाता हूं वीदर से लड़ने के लिए। अब यहां पर मैं कोई भी पोशन नहीं बनाता हूं और बिना पोशन और मेरे आर्मर पर थ्रोन स्त्री के अलावा सारी नॉर्मल एंचेंटमेंट थी और इन एंचेंटमेंट के साथ मैं आ जाता हूं वीदर को हराने के लिए। और मेरे को नहीं पता था कि भाई मेरे साथ आगे ये चीज हो जाएगी। अब ऊपर की साइड डर्ट थी तो वीदर मेरी पहुंच से काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब इसके बाद मैं अपना हल्का सा दिमाग लगाता हूं और मैं इसको बो से मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे हर्ट जब काफी ज्यादा तेजी से कम हो रहे थे तो मैं फिर से दिमाग लगाता हूं और मैं आता हूं ऊपर की तरफ और अगेन इसको थोड़ा डैमेज देता हूं। और मैं जैसे ऊपर आकर इसको सोट से मारता हूं मानो वीदर यार भड़का हुआ हो और ये मेरे पे इतने ज्यादा बॉम्ब्स फेंकता है कि मैं हाफ हर्ट पे किसी तरह सरवाइव करता हूं। और देखते देखते मेरे सारे फूड सारे गोल्डन एप्पल खत्म हो जाते हैं और भाई मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आता हूं और अगेन थोड़े गोल्डन एप्पल बनाता हूं और वापिस वीदर से लड़ने आ जाता हूं। अब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था बिकॉज अगर ये गलती से भी ऊपर आ गया तो सबसे पहले मेरा घर डिस्ट्रॉय होगा एंड देन जाकर मेरे फार्म्स। लेकिन जो भी था अब ये नीचे आ गया था और यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पास स्माइट 4 की सोर्ड थी जिससे कि यार मैं इसको इजीली मार देता हूँ। और इस टाइम मेरे हाथ इतने ज्यादा सेक हो रहे थे ना कि मेरे पास जितने गोल्ड एप्पल से मैं एक ही बार में सारे के सारे खा जाता हूँ। अब इसके बाद मैं कलेक्ट करता हूँ नेदर स्टार और इस चीज की मेरे को काफी ज्यादा खुशी थी कि मैंने जो यार 5 चैलेंज रखे थे उन चैलेंज को कंप्लीट करने के मैं काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। अब इसके बाद मैं फटाफट बनाता हूँ एक बीकन। अब डे 199 की रात थी और बीकन लगाते मेरे 200 डेज कंप्लीट हो जाते और ये इस सीरीज का फाइनल एपिसोड, इसलिए मैं अपनी काउ एंड पीक्स को अपने फार्म से आजाद करता हूँ बिकॉज अब ये आइलैंड उन्हीं का है और मेरे जाने के बाद वो इस आइलैंड पे फ्रीली घूम सकते हैं क्योंकि ये अब उन्हीं का आइलैंड बन चुका है। अब इसके बाद मैं अपने ओपी प्लेजर को भी लास्ट टाइम देख के बाय बोलता हूं और अपने दोस्त के पास आता हूँ, इससे थोड़ी बातचीत करता हूँ और इसको मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे आइलैंड की देखभाल यही करेगा, मेरी काउ एंड पिग्स की रखवाली ये करेगा मोब से एंड मेरे विलेजर की भी।
अब इसको लास्ट टाइम देखते वक्त मेरे को यार वही क्यूट वाली मोमेंट्स याद आती है जब ये मेरे को मिला था। मतलब ये क्यूट सी मोमेंट मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अब इसी के साथ बीकन लगाते ही कंप्लीट होते अपने 200 डेज और मेरा डॉग मेरे पीछे पीछे, मानो ये मेरे को बोल रहा हूँ कि भाई मत जा। लेकिन अब मेरे को जाना ही था, तो भाई मैं बाय बोलता हूँ, इस आइलैंड को लास्ट बार देखता हूँ और इसी के साथ कंप्लीट होते अपने 200 डेज। और साथ ही साथ मैंने जो 5 बड़े चैलेंज रखे थे मैंने उन 5 कंप्लीट कर दिया। तो इसी बात के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है, और वैसे भी ये फाइनल चैप्टर है तो लाइक तो बनता ही है। और गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, बेल के आइकन को ऑन पे कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की खतरनाक वीडियोस लाता रहता हूं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसी एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।